तो मित्रों, क्या आप डेड बाय डेलाइट खेलते थे? हाँ। क्या आप अब इसे मिस करते हैं? हाँ। क्या आपको इसके जैसा और कोई गेम खेलना है? अरे हाँ भाई हाँ। तो फिर लीजिए कैप्लेरियंस प्रस्तुत आइसक्रीम यूनाइट। ये एक नया गेम आया हुआ है, आइसक्रीम का ही एक वर्जन। आइसक्रीम के गेम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खेले होंगे। असल में उसका नाम आइसक्रीम है, लेकिन अपने को प्रोनाउंस करने में मेरे मुंह से शब्द ज़्यादा ही निकलेगा और फिर अगले दिन मेरे मुंह से सिर्फ हवा ही निकलेगी। इससे बेटर आइसक्रीम ही बोलते हैं इसको। तो हमको असल में होता क्या है कि हम एक फैक्ट्री में, जिन्होंने आइसक्रीम गेम खेला है उनको पता है कि आइसक्रीम वाले इस बंदर ने हमको कैसे एक आइसक्रीम की फैक्ट्री में बंद किया होता है। तो यहाँ पर बिजली गिरती है जिसकी वजह से सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है, मतलब सिक्योरिटी का जो सिस्टम है इसका वो ख़राब हो जाता है और हमको कुछ भी करके वैन को ठीक करके गेट का, ये जो गैराज का दरवाज़ा है वो खोल के यहाँ से भागना होता है। दिक्कत ये है कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, उसकी चाबी गायब है, गैराज का बटन गायब है और गाड़ी का एक चक्का गायब है। हमको मतलब हम चार बंदों को ये सब कुछ ढूंढना होता है और इसके अंदर का जो आइसक्रीम वाला बंदा है वो रियल बंदा है, बॉट नहीं है। जैसे AI दूसरे गेम्स में होते हैं ना आइसक्रीम के, वो पुराने गेम्स उसमें वैसा नहीं है। तो हमको बटन ढूंढने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा आई कार्ड, जो अपने को मिल चुका है। ये आई कार्ड आपको कहीं डेस्क पर वगैरह मिल जाएगा, थोड़ा मुश्किल है, किसी दिन बताएंगे। और ऐसे लॉकर आपको खोलने पड़ेंगे, जिनमें से मेरे को एक लॉकर में बटन मिल गया। अब दिक्कत यह है कि जब भी आप ऐसे हरकतें करोगे उसको सिग्नल जाएगा कि किसी बंदे ने कुछ तो हरकतें की है और नोटिफिकेशन भी आता है अगर किसी ने, मतलब किसी के ऊपर उसने हमला कर दिया या उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया। क्योंकि इस गेम के अंदर, बाप रे देखा नहीं ना, क्योंकि ये रियल बंदा, ये छोड़ने वाला नहीं है, ये रियल बंदा है। अगर इसने देख लिया तो बैंड बजाएगा, ये पक्का है। हाँ, लेकिन इसके अंदर एमिंग करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात है। इसके अंदर गन्स है, ये देखो सामने, इसने देखा ही नहीं, बेचारा इधर उधर भाग रहा है। और उसकी लोकेशन भी आप मार्क कर सकते हो, जिससे आपके बाकी के बंदों को पता चल जाता है कि कहाँ पर है। ये सारे के सारे मेरे जो साथ में है वो रियल प्लेयर्स है, प्लेयर नाम का जो बंदा छोड़ के बाकी के सारे रियल प्लेयर्स हैं। इसमें एक फैक्ट की बात बताऊँ, जो जिसके ऊपर का जिसका नाम प्लेयर लिखा आ रहा है वो रियल बंदा है ही नहीं। मतलब रियल बंदा पहले बात तो ऐसा नाम रखेगा नहीं प्लेयर, दूसरी बात बाप रे ये पीछे कहाँ से आ गया। अबे भाई ये नहीं, इसने देखा होगा कि बटन मैंने दबाया ना, इसलिए मेरे पीछे आ गया। इसकी स्पीड नॉर्मल प्लेयर से बहुत ज़्यादा होती है और ये ऐसा आइसक्रीम खिलाता है। भाई जाने दे मेरे को तेरी आइसक्रीम नहीं खानी है। इस आइसक्रीम वाले अंकल का एक ही काम होता है, ये आइसक्रीम वाले अंकल ने हम चार छोटे छोटे बच्चों के लिए अब प्यार से आइसक्रीम बनाई होती है, ये हमको प्यार से आइसक्रीम खिलाता है। ये देखो ये गया, ये उसको आइसक्रीम खिलाएगा। भाई मेरे को कोई गन दो, आ गन मिल गई, ये पक्का उसको पकड़े के मार रहा होगा। रुक तेरे को दिखाता हूँ, तेरे को आइसक्रीम खिलाने का बड़ा शौक है ना, रुक तेरे को गोली खाता हूँ। रुक उसको छोड़ेगा नहीं, ये ले भाग भाई भाग, इवर नहीं छोड़ेगा नहीं। इनसे बचने का बस एक ही तरीका है इस आइसक्रीम वाले से, इसके साथ और कोई बंदा नहीं है, मतलब कोई बॉट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि उसको लोकेशन बताएगा। एक्चुअली में हमको कुछ गन्स मिलती है, कुल तीन ही गन्स मिलती है, एक पेंट बॉल गन, एक माइक्रोवेसिव गन होती है जो हमको बनानी पड़ती है, और ये जो राइफल थी मेरे हाथ में राइफल भी नहीं। और बाप रे नहीं, चाचा उसको पकड़ो, मेरे को नहीं। अरे भैया गन का बंदला, अरे यार नहीं, छोड़ दो। वैसे इसमें बहुत फन भी है, लेकिन इसको ज़्यादा प्लेयर्स खेलते नहीं, इसके दिक्कत है। ये देखो पकड़ा लेकिन छूट गया इसके हाथों से, और उसको थोड़ी देर चक्कर आएंगे, और चक्कर आने के बाद वो आपको घन चक्कर बनाने के लिए आपके पीछे आएगा। वो उसको गुस्सा आ गया होगा मेरे पीछे आ रहा है। छोड़ दे भाई पीछा। ये तीसरी आइसक्रीम अपनी बन गई, अब अपने को बस ये बटन घुमाना है। ये बटन मैंने, मेन बटन मैंने ही ढूंढा, पेट्रोल का पीपा भी मैंने ही ढूंढा, ये चाबी भी मैंने ही ढूंढी। ये पीछे क्यों आ रहा है भाई, उधर बंदा है भागो, ये नहीं छोड़ेगा। आप इसके अंदर टनल से भी जा सकते हो, और हाँ इसके अंदर एक बात है, जिन्होंने ये गेम खेला होगा ना, जो भी बंदे रोड बन के खेला है उनको पता होगा कि इस रोड की एक स्पेशल टनल, सीक्रेट टनल, जिसके अंदर सिर्फ ये रोड ही जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली हम उस टर्न से ट्रैवल नहीं कर सकते,
यहाँ से सीधा ऊपर वाली जगह पे, ऊपर वाले जो फ्लोर है वहाँ पे जाता है, और वहाँ से सीधा नीचे, ऊपर भी नहीं थोड़ा अलग जगह पे जाता है। लेकिन भाई साहब हम वहाँ पे नहीं जा सकते, हम उस टनल से जो है ट्रैवल नहीं कर सकते, नॉर्मल टनल। जिन्होंने भी ये गेम खेला है कमेंट में ज़रूर बताना कि वो टनल है कहाँ पे। अब वो मेरे पीछे आ रहा होगा, मैं भैया दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। अब भैया क्या करें, ये देखो ये अटका हुआ है। कब ये बॉट कभी कभार अटक जाते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भाई मतलब मैच में सारे बॉट ही निकलते हैं, आप अकेले बंदे हो। और लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं है, इस मैच के अंदर सारे के सारे प्लेयर्स है सिवाय एक के। तो मैं यहाँ पर ये रेंज उठा के, रेंज आपको ऐसे ही इधर कहीं पर पड़ा हुआ मिल जाएगा, या तो ऊपर मिलेगा या इधर नीचे, या फिर आपको रोड के गैराज में जाना पड़ेगा इसको ढूंढने के लिए। रोड के गैराज में वैसे कमी चांसेस होते हैं उसकी तरफ आएगा। तो इधर चक्का मैंने निकाल लिया। भाई तू क्या कर रहा है, गन, अबे गन छोड़ और पेट्रोल का पीपा ढूंढ, वरना भैया आधे रास्ते में जाएंगे पेट्रोल ख़त्म। ये बंदा कब से देखा जा रहा हूँ, बंदा ही है रियल बंदा, वो गन लेके ढूंढ रहा है, उससे क्या करेगा। अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, मर गया, भागो 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 भागो, उसने उसको नॉक कर दिया, भागो यहाँ से, इससे पहले कि ये रोड का बच्चा आके मेरे को कच्चा चबा जाए, भागो यहाँ से। टनल का रास्ता मेरे को अच्छे से मालूम है, इसलिए ज़्यादा आसानी है मेरे को यहाँ से भागने में। अब ये और ऊपर का टाइम अगर ख़त्म होने से पहले हमने इसको फिक्स नहीं किया, मतलब यहाँ से नहीं भागे, तो सिक्योरिटी सिस्टम वापस रिस्टोर हो जाएगा, और जो बच्चे कुछ जो नमूने रोड होंगे और या फिर जो भी कुछ, वो हमको पकड़ लेंगे, जिसकी वजह से हम बाहर भाग नहीं सकते। बाहर भागने के लिए बस इतना ही टाइम बचा है, मैंने चक्का लगा दिया, अब पेट्रोल का पीपा ढूंढना है। अरे भैया वो झुक जा, इसके अंदर बस एक दिक्कत है कि इसके अंदर कस्टमाइजेबल कंट्रोल्स नहीं है, जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एम करना, मतलब आप जिस उंगली इसके अंदर पहली बार जैरूस को पहने, वैसे होने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात, जिस उंगली से हम लोग एम करते हैं ना, मतलब आप अपने ये राइट हैंड की थंब से एम करते हो ना, कहाँ पर है भाई, मेरे को फ्रीज कर दिया, मैं डर गया भाई, कहाँ से आया ये। हाँ तो कहाँ पे थे थंब, राइट हैंड का थंब, आप राइट हैंड के थंब से नॉर्मली जो है नॉन जायरो का ये करते हो ना, एम करते हैं, तो इन लोगों ने उसी साइड पे फायरिंग का बटन रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बकवास है। भाई तू भाग ले पहले, कब से गन लेके इधर उधर नाच रहा था, पेट्रोल का पीपा लेकर आया नहीं तेरे से। सारा का सारा तो काम मैंने किया, चाबी भी मैं ही ढूंढ के लाया, चक्का भी मैं ही ढूंढ के लाया, बटन भी मैंने ही ढूंढा, और अब ये पेट्रोल का टैंक भी मैं ही लेके आ गया। भाई कुछ तो कर लो, शर्म करो, भगवान से डरो सनो। ये देखो तमाशे देख रहा है। अबे नहीं यार, ये सस्ते ग्लिच है, मेरे को नहीं देखने। भाई कभी कभार ऐसा होता है कि लोडिंग पूरी होती होने के बावजूद भी एक्शन नहीं होता है। तो फाइनली हम यहाँ से एस्केप कर चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ये क्लियरेंस वालों ये एड्स को कृपया बंद कीजिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसे किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।